हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिता प्रमिता किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने कोई भी रेसिपी अपलोड किया ही नहीं। आज मैं और एक रेसिपी, सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाना बहुत ईजी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। चलिए शुरू करते हैं। बूंदी का रायता कैसे बनाते हैं? बूंदी का रायता बनाना, बूंदी का रायता बनाने के लिए हमें खारा बूंदी चाहिए। ये जो खारा बूंदी है ये मार्केट में मिलता है। मैंने हाफ कप खारा बूंदी लिया हूँ। खारा बूंदी को पहले हम पानी में भिगो देंगे 3 से 4 मिनट तक। अब वो बूंदी को डायरेक्ट दही में डाल लेंगे तो दही ज़्यादा खींचेगी ये, इसीलिए आज जो दही बूंदी बनाऊँगी मैं मेरे स्टाइल से बनाऊँगी। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पानी में बूंदी को 3 से 4 मिनट भिगा दीजिए। भिगाने के बाद आप बनाएंगे तो ये जो दही बूंदी बहुत अच्छा और टेस्ट भी लगेगी, ज़्यादा दही भी खींचेगी नहीं। बूंदी को भिगा कर हमारा 3 से 4 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं बूंदी बहुत सॉफ्ट हो गया है। अभी बूंदी को हम छान लेंगे। पहले छानने से पूरा पानी जो है वो निकल जाएगी। इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से दोस्तों पानी निकल जाएगी, जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगी। फिर पूरा पानी जाने के बाद वो बूंदी जो है पूरा खिलखिलेगी। हमारा बूंदी रेडी है। फ्रेश दही लेना है। थ्री फोर्थ कप दही लेना है। पहले दही को अच्छे से फेंट देंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा। और थोड़ा सा चाहिए पानी। अभी इसमें सारा मसाला डालेंगे। हाफ स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून आमचूर पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला, 1/4 स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 स्पून शुगर, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिला देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ता, फिर बूंदी को डाल देंगे। इसमें ज्यादा दही खिंचेगी नहीं, क्योंकि दही पहले से पतला किया मैंने, फिर बूंदी को भी पानी में सोक कर दिया। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम पे ये बन जाती है। आप चावल के साथ साइड डिश में खा सकते हैं, रोटी पराठा के साथ भी। जिसको दही के साथ रोटी पराठा पसंद है वो खा सकते हैं। 1/4 स्पून काली मिर्ची का पाउडर अच्छे से मिला देंगे। हमारा दही बूंदी रेडी है। अभी प्लेट में हम
शार्प करेंगे। दही बूंदी रेडी हो गया है, ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर रेडी हो गया है। बूंदी का रायता, आप ये रेसिपी को घर पर बनाइए, कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई, टेस्ट लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरा और रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी मेरा नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।